IGAIMS में सीएम नीतीश कुमार ने किया टीकाकरण अभियान का आरंभ। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। जमुई पहुंचे सीएम नीतीश, प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव का किया शुभारंभ। मौके पर डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बिहार के 300 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत। सहरसा, बाढ़, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा और सीतामढ़ी के डीएम भी वैक्सीनेशन के दौरान केंद्रों पर रहे मौजूद। झारखंड में शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन। रांची सदर अस्पताल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने की टीकाकरण की शुरुआत। महिला सफाई कर्मी को लगा पहला टीका। चार मित्रों हमको निकाला जरूरी है। एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिली गई। झारखंड के भी जिलों में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। जहां बोकारो, सरायकेला, लातेहार और जमशेदपुर में भी लगा कोरोना का टीका। रांची पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वहीं रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। देश ने कोरोना को हराया, लेकिन ऐसे ही जैसे स्वास्थ्य विभाग प्रोटोकॉल दिया है, पहले कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दिया जाएगा। देश धीरे धीरे वैक्सीनेशन की ओर बढ़ेगी और देश सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएगा। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीडिया से की बात। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर उन पर जमकर हमला बोला। 8 साल का लड़का जब कहता है बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। जमुई के झाझा पहुंचे हाजीपुर जोन के जीएम, जहां उन्होंने कई विभागों का किया निरीक्षण। रांची में बिहार राजद महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष रेणु यादव ने रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचकर की लालू यादव से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची के एयरपोर्ट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। लगाए वापस जाओ के नारे। रांची में 14वें वित्त आयोग, पंचायत राज कर्मी ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। इस दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लातेहार में बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 65वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया। रांची में कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। गया में अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय दिव्यांग जन अनुश्रवण समिति का किया गया गठन, जहां दिव्यांग जनों की समस्याओं के मौके पर की गई सुनवाई। गया के अवसर प्रशिक्षण अकादमी में मनाया गया 73वां भारतीय सेना दिवस। इस दौरान कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बता दें एक जनप्रतिनिधि की हत्या के फिराक में थे अपराधी। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सूचना मिली कि कुछ अपराधी जैतपुर थाने में इकट्ठा होकर एक जनप्रतिनिधि की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। टीम ने मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान तीन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। मसौढ़ी के पोटी रेलवे स्टेशन के पास से ट्रेन से टकराई मारुति कार, वहीं हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। मुजफ्फरपुर जिले में ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने बिहार सरकार के खिलाफ किया चक्का जाम, वहीं सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सीतामढ़ी में हुए मंजू हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। इस निर्मम हत्याकांड के बाद सीतामढ़ी के लोगों ने पुलिस के निष्क्रिय कार्यशैली को लेकर कैंडल मार्च निकाला। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, PLFI एरिया कमांडर संगी के 2 नक्सली सदस्य गिरफ्तार। मौके से हथियार सहित कई सामान बरामद। मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिनी ट्रक में छुपा कर रखे अवैध शराब को किया जब्त। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के हावसपुर में एक युवक के संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लकड़ा कांडा विद्यालय में रात के अंधेरे में ग्रिल काटकर चोरी कर फरार हुए अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा।